दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। अब अगर बात करते हैं, पहले मैच में वेस्ट इंडीज से हारने के बाद इंग्लैंड ने अच्छा कम बैक किया और दूसरे मुकाबले में वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। तो अब सीरीज टाई हो चुकी है और सीरीज का लास्ट मैच फाइनल जैसा होगा, तो डिसाइड करेगा कि सीरीज की कौन सी टीम जीतती है। और दूसरे ओडीआई में इंग्लैंड ने अपना पावर दिखा दिया, इंग्लैंड ने बता दिया कि हम किसी से कम नहीं, हमें वीक मत समझना। तो अब बात करते हैं सीरीज का तीसरे ओडीआई मैच की, जो कि खेला जाएगा 9 दिसंबर को, कैनिंगस्टन ओवल ब्रिज टाउन में खेले जाने वाला है। ये सीरीज पूरी तरह टाई हो गया और लास्ट मैच में मजा भी आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर रिपोर्ट की बात करते हैं। तो मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, टेम्परेचर 26 से 30 डिग्री के सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ का पिच स्विंग बॉलर्स को फेवर में करता है, सिम्स बॉलर को बाउंस मिलेगी, रिवर्स स्विंग देखने को मिल सकती है। वहीं अगर दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं तो टोटल ओडीआई में 104 मैच खेले गए, जहाँ पे इंग्लैंड 53 मैच जीत के आ रही, तो वहीं वेस्ट इंडीज 45 मैच जीत के आ रही, नो रिजल्ट 6 है। अब अगर बात करते हैं इंग्लैंड टीम का शॉट एनालिसिस करते हैं, तो टीम की बैटिंग लास्ट मैच में काफी स्ट्रांग देखी गई थी, टीम ने टारगेट चेस किया था। लास्ट मैच में टीम के ओपनर फिलिप्स शॉट फेल रहे थे, लेकिन विल जैक ने टीम को अच्छी स्टार्ट दी, जैक ने 73 रन की इनिंग खेलकर पावर दिखाया। वहीं अगर मिडिल ऑर्डर में देखें तो जहां पे जैक क्रॉली, बेन डकेट दोनों पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर में हैरी ब्रूक लगातार टीम के लिए अच्छा मैच निकाल रहे हैं, जॉस बटलर ने काफी टाइम के बाद एक कप्तान वाली नॉक खेली, 58 रन की नॉकआउट पर इनिंग खेली और मैच जितवाया। वहीं ऑलराउंडर की बात करें तो सैम करन और लाइम लिविंगस्टोन टीम की स्ट्रेंथ है। बॉलिंग टीम की लास्ट मैच में काफी अच्छी देखने को मिली थी, टीम ने वेस्ट इंडीज को महज 202 रन पर ऑल आउट कर दिया था। वहीं स्पिनर्स और फास्ट बॉलर दोनों ही 5-5 विकेट लिए हैं। वहीं गस अटिक्सन ने 28 रन देकर 2 विकेट लिया। स्पिन डिपार्टमेंट में देखें तो जहां पे रहमान अहमद अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने 40 रन देकर 2 विकेट लिए। सैम करन ने इस मैच में लाइन लेंथ सुधार किया। ऑलराउंडर की बात करें तो लाइम लिविंगस्टन भी टाइम पर ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। अब इंग्लैंड के की प्लेयर की बात करते हैं, जहां पर जॉस बटलर है, सैम करन है और हैरी ब्रूक है। बात करते हैं वेस्ट इंडीज टीम का स्क्वाड एनालिसिस करते हैं। वेस्ट इंडीज टीम लास्ट मैच में फेल थी, टीम के लिए ओपनिंग ब्रैंडन किंग एंड एलिक एटनजे करेंगे। लास्ट मैच में दोनों ही फेल थे, टीम के कप्तान साई होप जिन्होंने दोनों मैच में रन मारा वो सीरीज के बेस्ट बैटर हैं। 2 मैच में उनके बल्ले से 177 रन निकले हैं। वहीं नंबर 3 पे हैं कैक्सी कार्टी, जो लास्ट मैच में फ्लॉप थे। नंबर 5 पे हार्ड हिटर सिमरन हेटमायर, जो अब तक ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए। लोअर ऑर्डर में बात करें तो एक्सपीरियंस बैटर सरफेन रदरफोर्ड ने लास्ट मैच में अच्छा खेला था। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग टीम की वीकनेस है, लास्ट मैच में बॉलर्स फ्लॉप थे, जहाँ पे फास्ट बॉलर अल्जारी जोसेफ और टीम के वाइस कैप्टन विकेट लेस है रोमारियो सफरेड ने लास्ट मैच में 1 विकेट लिए थे। वहीं अगर बात करें ओसन थॉमस को, यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना होगा, स्पिनर जिम मोर्टी टीम के बेस्ट बॉलर हैं, उन्होंने अब तक सीरीज में 4 विकेट लिए हैं। अब बात करते हैं की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे साई होप है, हेटमायर है, ब्रैंडम किम है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं चलते विनर की ओर। अगर हमारे अकॉर्डिंग बात करें तो आज का मैच विनर इंग्लैंड होगा। इंग्लैंड की टीम काफी फॉर्म में आ गई है और मैच भी जीत सकते हैं, यहाँ पे वेस्ट इंडीज को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा होगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।